अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि बैकर के अंदर डाटा को लोड कैसे किया जाता है और उसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा। उससे पहले हम डाटा सेट का एक स्ट्रक्चर देख लेंगे कि डाटा सेट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो डाटा सेट का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आयरिस डाटा सेट के नाम से एक डाटा सेट होगा हमारे पास, जो एक बहुत ही मशहूर डाटा सेट है, जिसमें ये है कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। एक है सेटोसा और वर्सिकलर और वर्जिनिका। इसमें यह होता है कि हर फ्लावर के अगेंस्ट 50 रिकॉर्ड्स हैं और टोटल हमारे पास जो होंगे वो 150 रिकॉर्ड्स होंगे। तो जो साइंटिस्ट था एंडरसन, उसने इसके 2 डिफरेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताए, जिसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फ्लावर है वो कौन सी टाइप का है। एक सेपल और एक पेटल। इसी तरह सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, इसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फ्लावर है वो सेटोसा है, वर्सिकलर है या वर्जिनिका है। तो इस डाटा सेट को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो ये देखते हैं हम। आपने कैगल का नाम सुना होगा, आपने जैसे आके गूगल पे लिखना है कैगल डाटा सेट। यहां पे आपने आयरिस सर्च कर लेना है। आयरिस फ्लावर डाटा सेट इसको आपने ओपन करना है और यहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये नीचे मेरे पास डाउनलोड हो गया, यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। ये जिप फाइल में है तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे iris.csv के नाम से मेरे पास एक फाइल ओपन हो गई है, जो कि अभी इसकी एक्सटेंशन क्या है वो csv है। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का डाटा है। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे पास एक्सेल की फॉर्म में, मतलब शो हो गया, जो एक प्रॉपर फॉर्मेट की यहाँ पे विजिबल होता है, इसलिए इसने एक्सेल में ओपन किया। तो इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है और पेटल विड्थ है, और ये एन पे एक स्पाइसिस है, मतलब कि हमारी एक क्लास है। तो ये हमारे पास कितने 150 रिकॉर्ड्स हैं और हर क्लास के अगेंस्ट हमारे पास 50 रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह टोटल हमारे पास 13 टाइप्स हैं फ्लावर की और हमारे पास 150 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। तो जो ये थी हमारे पास csv फाइल थी, लेकिन ये हम एक्सेल में इसने ओपन करके हमें दिखाई है। तो इसको अगर हम csv में भी एक दफा मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि उसमें किस तरह का डाटा कैसे शो होता है। csv का मतलब होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो ये देखे हमारे पास सैपल लेंथ कोमा, सैपल विड्थ कोमा, पेटल विड्थ कोमा, पेटल लेंथ कोमा और स्पेसेस। मतलब ये है कि ये हमारे पास वही 5 एट्रीब्यूट्स हैं और हर एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट वैल्यूज है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह का csv के अंदर डाटा सेट का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि जी हमने अपने वेका टूल्स के अंदर इसको इंपोर्ट करना है या लोड करना है, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट में जाके वेका लिखते हैं और वेका 3.8.4, वो जो हमने लास्ट लेक्चर में इसको इंस्टॉल किया था, वो ये आपने ऐसी चीज ओपन कर लेना है। हमारे पास सबसे पहले वेका की GUI चूजर आता है, आपने क्या करना है, एक्सप्लोरर पे जाना है, यहाँ पे ओपन फाइल, और जिस डायरेक्टरी पे आपने वो csv डाउनलोड की थी उसी के अंदर आपने जाना है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि वेका के अंदर हमारे पास जो होती है ना वो csv और arff फाइल जो होती है ना वो इसको सपोर्ट करता है। arff मतलब होता है एट्रीब्यूट रिलेशन फाइल फॉर्मेट, और csv आपको पहले भी बता दिया कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है।
हमने इसको ओपन किया तो ये हमारे पास देखा कि डिफरेंट टैब जो है वो इनेबल हो गई है, मतलब ये कि हमारा डाटा सेट जो है ना वो लोड हो गया है। तो सब इधर ये वाली जो विंडो है करंट रिलेशन वाली, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास आई हैं। ये रिलेशन मतलब टेबल का नेम, आईरिस या फाइल का जो नेम था वो शो हो रहा है। उसमें हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 5 एट्रीब्यूट्स हैं, और इसमें टोटल इंस्टेंसेस जैसे हैं, पहले भी बताया कि 150 है, और सम ऑफ वेयर्स वो भी 150 है। इसी तरह ये एट्रीब्यूट सिंगल्स भी हमारे पास नीचे शो हो रहे होते हैं, सैंपल लेंथ, सैंपल वेड, पेटल लेंथ, पेटल वेड और स्पेसेस। इसके बाद हमारे पास एक विंडो होती है सिलेक्टेड एट्रीब्यूट के नाम से। हमने यहाँ से जो भी एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया होगा ना उसके अगेंस्ट हमें ये स्टैटिक्स सारे जनरेट होके हमें शो हो रहे होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास इस एट्रीब्यूट के अंदर मिनिमम वैल्यू 4.3 है, मैक्सिमम वैल्यू 7.3 है, मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह हैं। तो इसमें एक ऑप्शनल चीज़ मैं और बता दूं, ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, समटाइम हमें ये होता है कि डाटा सेट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इररिलेवेंट होती हैं, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपने सिंपली ये करना होता है कि इसको चेक करके और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास नेसेसरी, इसलिए इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, बट एज अ ऑप्शनल आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये इस तरह हमारा सारा डाटा सेट जो है वो लोड हो चुका है, और हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसको विजुलाइज कैसे करना होता है। तो जैसे ही मैंने ये वाली सैंपल लेंथ वाली को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये मेरे नीचे एक हिस्टोग्राम बन गया है जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं। मतलब ये कि जो 3 डिफरेंट फ्लावर्स थे, कैटेगरी ए कह लें इसको, कैटेगरी बी कह लें, और ये कैटेगरी सी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ से 4.3 से अगर इन बिटवीन 4.8 तक जाता हूँ तो मेरे पास 16 रिकॉर्ड्स हैं जो कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कैटेगरी ए के अंदर लाई कर रहे हैं। और इसी तरह अगर एंड पे मैं बात करूं तो 6.8 से लेकर 7.9 तक जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे 7 रिकॉर्ड्स हैं तो ये कैटेगरी सी मतलब थर्ड फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन बिटवीन जो भी वैल्यूज होंगी तो ये सारी मिक्सअप हैं, और मतलब ये सारी इनमें मिक्सअप वाली जो क्लासेस हैं वो सारी लाई कर रही हैं। तो मतलब ये कि यहाँ से हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं फर्दर, हम अगर जो भी इस पे एल्गोरिदम अप्लाई करने होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ ये देखा कि डाटा सेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और वेका के अंदर इसको लोड कैसे किया जाता है, और इसको विजुलाइज कैसे किया जा सकता है।